वाहिगुरू गुरुद्वारा बौली साहिब पंजाब के तरन तारण जिले के गोविंदवाल साहिब कस्बे में स्थित एक धर्म स्थान है। इस तरन तारण तो 25 किलोमीटर अमृतसर तो 48 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गोविंदवाल बौली साहिब पहली सिख यात्रा है जो 16वीं सदी में श्री गुरु अमरदास जी की देखरेख में स्थापित की गई सी। तीजे गुरु अमरदास जी गोविंदवाल 33 साल रहे। इत्थे उन्होंने 84 पौड़ियां नाल एक बौली जा एक खूह बनाया। बौली दे प्रवेश द्वार नूं कलात्मक ढंग नाल सजाया गया है। सिख इतिहास के दृश्यों नूं दर्शाउंदियां फर्शां दी एक कतार है। कहा जाता है कि जो कोई खूह विच इशनान करता है अते जपजी साहिब दा पाठ करता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। गोविंदवाल उस स्थान है जिथे गुरु अमरदास जी गुरु रामदास जी नूं मिले सन अते गुरु अर्जन देव जी का जन्म स्थान भी है। बौली दे नाल ही एक शानदार गुरुद्वारा बनाया होया है। गुरुद्वारा एक आम सिख आर्किटेक्चर की एक उदाहरण है जिस दे सिखर ते एक वड्डा सोने का गुबंद है। इस तो अलावा गुरु अमरदास जी की प्रसिद्ध भाईचारक रसोई का लंगर है जिथे हरेक यात्री नूं मुफ्त भोजन छकाया जाता है। एक सिख इतिहासकार ने दर्ज किया है कि बादशाह अकबर ने भी गुरु जी नूं मिलन तो पहला लंगर विच भोजन छकिया सी। ते एक होर गोबिंद वाला प्रवेश द्वार है जो कि महान संत गुरु अमरदास जी की जीवन नूं दर्शाउंदी कलाकृतियां नाल सजाया होया है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।